सर आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। मंडल की खबरों का रुख करते हैं। महोबा के अजनर थाना क्षेत्र में मामूली विवाद के चलते दबंग पड़ोसी ने 11वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्र की कुल्हाड़ी से काटकर निर्मम हत्या कर दी। वहीं हत्यारोपी वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गया, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपियों की तलाश में जुट गई। फतेहपुर के हथगांव थाना क्षेत्र में मामूली विवाद को लेकर कुछ दबंगों ने किसान के ऊपर धारदार हथियार से हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई। प्रयागराज के सिविल लाइंस मॉल में चोर लाखों का सामान उड़ाकर फरार हो गए। बता दें कि चोरी करने से पहले चोर सीसीटीवी कैमरे को बंद कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच में जुट गई। एटा के बगवाला थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार ट्रक ने दो बाइक सवार पांच लोगों को रौंद दिया, जिससे चार लोग घायल हो गए और एक मौके पर ही एक व्यक्ति की मौत हो गई। आगरा के फतेहाबाद थाना क्षेत्र में ट्रक में अचानक आग लग गई। आग लगने से ट्रक चालक और परिचालक ने किसी तरह कूदकर अपनी जान बचाई, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने फायर ब्रिगेड की टीम से आग पर काबू पाया। पीलीभीत के सुनगढ़ी थाना क्षेत्र में अज्ञात कारणों से रिफाइंड तेल बनाने वाली फैक्ट्री में भयंकर आग लग गई, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। अमेठी के कमरौली थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार बोलेरो ने साइकिल सवार अधेड़ को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें अधेड़ की मौके पर ही मौत हो गई, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में रखकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सहारनपुर के इंडियन ऑयल के अंतर राज्य पाइपलाइन काटकर तेल चुराने वाले आठ लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तेल चुराने और बेचने में मुजफ्फरनगर जिला पूर्ति विभाग की संलिप्तता भी सामने आई है।